जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय कथा प्रेमी मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं महाभारत के पर्व की एक ऐसी कथा आपके बीच रखने जा रहा हूं जिस कथा के प्रसंग को आपने अब तक नहीं सुना होगा। ये कैसी कथा जो पूरे महाभारत में कुरुक्षेत्र की इस भयानक युद्ध की जड़ थी। क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना भयानक युद्ध हुआ, जबकि सबको पता है भगवान साक्षात श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी जब उस समय वहाँ मौजूद थे, फिर भी इस युद्ध को लोग रोक नहीं पाए। इसकी वजह क्या थी, चलिए इसके तह में चलते हैं। इस कथा के साथ करना कुछ नहीं है, वीडियो को अंत तक धैर्य के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो वाकई में आपके लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक थी। आपने महाभारत की कथा जरूर देखी और सुनी होगी, लेकिन ये जो कथा मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूँ पूरी इस महाभारत के युद्ध और कथा का निचोड़ है। यूं कहूं तो बस गागर में सागर के जैसे है। अंत तक सुनिएगा यदि समय हो तो। चलिए मैं कथा प्रारंभ करता हूं। क्या वजह थी महाभारत के कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध की, असली जड़ क्या थी, चलिए मैं इस कथा में ये प्रमाणित कर दूंगा। कथा प्रारंभ होती है पांचों पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु से। जैसा कि उनकी मृत्यु एक श्राप की वजह से हुई थी, वो श्राप क्या था वो मैं पिछले दूसरे वीडियो में डाल चुका हूं। उस कथा को चाहे तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कथा में वहीं से शुरू करूंगा और अंत तक आपको ले चल के ये बात प्रमाणित करूंगा कि इस भयानक युद्ध की आखिरी वह मेन जड़ क्या थी। जब पांचों पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हुई तो धृतराष्ट्र उनके चाचा और पिता दोनों थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अपने पिता तुल्य ही समझने लगे थे अपने चाचा धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। और मरते वक्त पांडु ने यह बात स्पष्ट करते हुए कहा था कि जब तक मेरे पुत्र बड़े नहीं होते तब तक आप राजगद्दी संभालिएगा और इसके बाद मेरे पुत्रों को राज सिंहासन दीजिएगा। क्योंकि चूंकि सबसे बड़े युधिष्ठिर भी थे तो युधिष्ठिर को ही सिंहासन मिलना भी तय था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। एक बात और, महाभारत के पुराण में और पौराणिक कथाओं में यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि युधिष्ठिर इतने अपने पिता की कही हुई बातों का पालन करने वाले व्यक्ति थे कि वो जो कुछ भी कह देते थे धृतराष्ट्र, उन सभी चीज़ों को कभी वो उल्लंघन नहीं करते थे, चाहे वो जो भी उनके मुंह से निकल जाता। तभी तो इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा और धृतराष्ट्र के कहने पर ही पांचों पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला था। इंद्रप्रस्थ में जाकर रहना पड़ा। इंद्रप्रस्थ क्या है, वो एक बंजर भूमि थी जहाँ पे ना तो कृषि युग की भूमि थी और ना ही कुछ होता था। वही बंजर भूमि धृतराष्ट्र ने अपने इन पांच पुत्रों पांडवों को दे दिया था। चूंकि परिश्रमी थे पांचों पांडव, वहाँ की भूमि पर मेहनत किए और वो भूमि भी बंजर भूमि भी कृषि युग की भूमि हो गई थी। अपने मेहनत से अपने परिश्रम से वहाँ का धनोपार्जन किया गया इन पांचों पांडवों के द्वारा। धीरे धीरे लोग भी वहां बसने लगे थे, एक इंद्रप्रस्थ एक जो छोटा सा राज्य भी बन गया और अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण कराया गया पांचों पांडवों के द्वारा, जिस महल की दावत थी। और उस भोज में अनेक देश के अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया था। उसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सबसे प्रिय अनुज दुर्योधन को भी आमंत्रित किया जो कि हस्तिनापुर से आए थे। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर हस्तिनापुर से जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के लिए चले तो वहां जाकर के देखा तो उतने भव्य महल को देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और दंग रह गए कि आखिर इतने समृद्धशाली ये लोग कैसे बन गए। इस बात की तो चिढ़ ही थी अंदर से अंदर, लेकिन इससे ज्यादा और नफरत तब हो गई जब वह इस भव्य महल में प्रवेश किए तो वहां पर एक ऐसी अजीब घटना घटी जो इस महाभारत के कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध का सूत्रधार था। क्या ऐसा हुआ था महल में, आज मैं आपके बीच वही प्रस्थान वही कथा रखने जा रहा हूं। जब दुर्योधन महल के अंदर प्रवेश किए तो अंदर कुछ इस तरीके की चमत्कारी पूर्ण कलाकृतियां रखी गई थी फर्श पे कि दुर्योधन को पता नहीं चला। और एक पत्थर जो कि उन्हें जल की तरह दिख रहा था और वो उस चीज को समझ नहीं पाए और पत्थर से टकरा करके जल में गिर गए, जिसकी वजह से उनके शरीर में कीचड़ लग गया। ये सारी चीजें, ये सारी घटना अटारी के ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी जैसे ही देखी तो उसने मजाक उड़ाते हुए दुर्योधन को एक ऐसा शब्द कहा जो दुर्योधन को आजीवन टीसती रही और शायद वही वचन वही वाणी इस पूरे महाभारत के युद्ध का
इतने भयानक विध्वंसक युद्ध का सूत्रधार बना। क्या कह दिया था द्रौपदी ने दुर्योधन को, चलिए मैं बताता हूं। जब उस जल में गिरे और कीचड़ युक्त दुर्योधन जब खड़े हुए तो उनको देख करके हंसते हुए ठहाके लगाते हुए द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और अंधे होने की वजह से यह बात दुर्योधन को और ज्यादा खल गई। तो दुर्योधन ने सोचा कि मेरे पिता का मजाक उड़ा रही है द्रौपदी। क्रोध में लाल दुर्योधन वहां भोजन नहीं किया, वापस लौट गए। जबकि मानवता के साथ भी ये बात कही जाती है कि किसी व्यक्ति की विकलांगता या उसकी शारीरिक अपंगता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। यह द्रौपदी की गलती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप उस पर ना हंसे, हंसना ही है तो उसको बनाने वाले पर हंसिए। जिस ईश्वर ने उसे वैसी शरीर दी उसमें उसकी कोई खुद की गलती नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात से बिल्कुल अनजान थे। दुर्योधन की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसके पिता अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन उसका खमियाजा उसका कष्ट उससे झेलना पड़ा। दुर्योधन क्रोध में लाल जब घर वापस हस्तिनापुर लौटा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, उसके सबसे बड़े सलाहकार मामा शकुनी, शकुनी के पास पहुंचा। सबको पता है हर राय शकुनी से ही वो लेता था। शायद शकुनी की राय ही पूरे कौरव वंश की और कौरव वंश की पतन का कारण भी बना, इस सबको पता है। तो शकुनी ने जब देखा कि क्रोध में लाल दुर्योधन अपने पांडवों भाइयों से इतना घृणा कर रहा है, इतना नफरत कर रहा है, तो उसने उस आग में और थोड़ा सा घी डाल दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हें यदि पांडवों को जंगल में लाना है, उनको दरिद्र बनाना है, तो सेना का प्रयोग ना करो, उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। दुर्योधन ने कहा, मेरे कहने पर वो कब आएंगे जुआ खेलने। ये बात भी सही थी। तो इसके लिए शकुनी ने दिमाग लगाया कि आप अपने पिता धृतराष्ट्र से कहलवाइए, अगर जो धृतराष्ट्र ने उन्हें आमंत्रित किया तो वो बिल्कुल नहीं उनकी बात टालेंगे। हुआ भी यही, दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा और धृतराष्ट्र जो कि अंधे व्यक्ति थे और ममता में इतने अंधे हो गए थे कि अपने पिता के फर्ज को भी वो शायद अच्छे तरीके से निभा नहीं पाए, अन्यथा दुर्योधन इतना बिगड़ा नहीं होता। अपने पुत्र मोह में आकर के दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को संदेशा भेजा हस्तिनापुर आने का। उन्होंने कहा, हे पुत्र, आप लोग जल्द ही आ जाओ हस्तिनापुर, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे हुए, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर को सुनना था कि वो तुरंत अपने पांचों भाइयों के साथ वापस लौटा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जब वो पहुंचे तो महल में पहले से कुछ नहीं बताया गया था कि उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्र, मेरा बेटा दुर्योधन बहुत बिगड़ गया है, बहुत जुआ खेलता है, थोड़ा सा देखो तो क्या खेल रहा है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी भी है, तुम लोग थोड़ा सा जुआ खेलो दुर्योधन के साथ। एक बात मैं यहां रोकना चाहूंगा आपको, अपने से बड़ों की हर बात मानना हर छोटे का कर्तव्य है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए वो बात सही है या गलत है। आंख बंद करके हर बात को मानना ये इंसानियत और मानवता नहीं है। धृतराष्ट्र सिर्फ आंख से बाहरी रूप से अंधे नहीं थे, आंतरिक रूप से भी अंधे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन पिता होगा जो अपने पुत्रों को दूध क्रीड़ा में सम्मिलित होने की बात करेगा, उन्हें जुआ खिलाएगा। ऐसे थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के कहने पर चाहे जो भी हो, धर्मराज युधिष्ठिर उनकी बातों को नहीं टाले, इतना भी आदरवाचक ना बनो और इतना भी सम्मान ना करो कि गलत और सही की पहचान ही भूल जाओ। धर्मराज ने ऐसा किया था जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, और स्वयं धर्मराज जैसे कर्ण और भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम जैसे महारथियों को अपने कर्मों का भोग उठाना पड़ा, तो हम आप कौन सी चीज है। इसलिए सही और गलत का आकलन करना हर मनुष्य का धर्म और कर्तव्य बनता है। धर्मराज युधिष्ठिर पिता धृतराष्ट्र के कहने पर जब दूत क्रीड़ा में सम्मिलित हो गए तो सबसे पहले उन्होंने अपना गले का हार रखा। शकुनी ने कहा कि आप इस दूत क्रीड़ा में, इस जुआ में क्या रखोगे, तो शर्त के रूप में उन्होंने अपना हार रखा। हार के बाद वो भी हार गए, उसके बाद अपनी संपत्ति रखी, संपत्ति भी हार गए, उसके बाद अपने पांचों भाइयों को भी शर्त पे लगा दिया, उन्हें भी हार गए, चूंकि पांचों भाई अब दास बन चुके थे दुर्योधन के। इसके बाद अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी को भी उन्होंने रख दिया दांव में, उन्हें भी हार गए। एक बात मैं बता दूं, बहुत
इस चीज़ को बहुत लोग दूसरे नज़रों से देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जुआरी थे, जुआरी नहीं थे। वो पिता की आज्ञा का पालन करने वाले एक पितृभक्त बेटा थे, जिसकी वजह से उन्हें जुआ खेलना पड़ा। वो कोई जुआरी नहीं थे, लेकिन उन्हें जुआ खेलना पड़ा था एक साजिश के तहत। वो जिस तरीके से निश्चल मन से अपने पिता की आज्ञा का, वचनों का पालन करते थे, शायद उनके साथ धोखा किया गया था। तो जब पांचाली को भी दुर्योधन के द्वारा जीत लिया गया, तो उसने अपने दासी के रूप में दुशासन को आदेश दिया कि जाओ उस दासी को बाल पकड़ करके महल में खींचते हुए घसीटते हुए लाओ, क्योंकि वो तो नफरत करता ही था वो इंद्रप्रस्थ वाली घटना से। वो तो चाहता था उसका बदला लेना, और बदले की आग ने इतना बड़ा रूप लिया कि उस राजसी महिला को बाल से पकड़ करके महल में घसीटते हुए लाया गया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने उसके चीरहरण की भी बात कह डाली, वस्त्रहीन करने का आदेश दे दिया। द्रौपदी को जब वस्त्रहीन करने की कोशिश कर रहा था दुशासन, वहाँ पे आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण और पांचों पांडव और धृतराष्ट्र स्वयं मौजूद थे। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सब लोग इस पाप के भागी बन रहे थे, और शायद इसी पाप ने इतने बड़े युद्ध की नींव रख दी थी। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। यहां एक और चीज मैं बता दूं, जब तक द्रौपदी अपने पल्लू को, अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़े रही और सभी वीर योद्धाओं को अपनी सहायता के लिए चीखती और चिल्लाती रही, कोई नहीं गया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ से अपनी साड़ी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें सहायता के लिए पुकारा, भगवान श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हुए और उसकी साड़ी बढ़ाने लगे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपना दिमाग और अपना शक्ति जब तक लगाते हैं अपनी रक्षा के लिए, तब तक ईश्वर की कृपा नहीं बनती, और जब स्वयं को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो ईश्वर स्वयं आ जाते हैं साक्षात आपकी सहायता के लिए। इसलिए संपूर्ण भाव से जब भक्ति होती है, तो ईश्वर भी आपका सहयोग करता है। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण की माया से साड़ी बढ़ती गई, खींचते खींचते दुशासन हार गया, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हुई। इसके बाद महाभारत का युद्ध यही सूत्रधार था, जिसकी वजह से भीम ने जयद्रथ की जंघा तोड़ने का प्रण लिया। द्रौपदी ने जयद्रथ के खून से अपनी बाल या कीस को धोने का प्रण किया। ये सारी चीजें यहीं से सूत्रधार हुई, यहीं से शुरुआत हुई, और इसी वजह से कुरुक्षेत्र का यह विध्वंसक महायुद्ध हुआ, जिसमें सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों सैनिक मारे गए। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ कुछ ऐसी विचित्र और अनोखी कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।